पति पत्नी में झगड़ा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आप कह रहे हैं। सबका उत्तर सही है, गलत किसी का नहीं है, पर फिर भी मूल बात जो है उस मूल तक आपको पहुंचना चाहिए। पति पत्नी का अर्थ होता है समर्पण। पति और पत्नी जब दो मिलकर एक हो जाएं, झगड़ा हमेशा दो लोगों में होता है, झगड़ा हमेशा दो लोगों में होता है, और दोनों मिलकर यदि एक हो गए तो बताओ फिर झगड़ा किससे होगा। तो पति पत्नी एक नहीं होते और एक तब तक नहीं होंगे जब तक एक दूसरे में समर्पण नहीं होगा। तो पति और पत्नी दोनों में समर्पण नहीं होता, पत्नी पति की हो जाए और पति पत्नी का हो जाए, जब समर्पण हो जाएगा तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे, तो एक फिर किससे झगड़ा करेगा। अब तो हम एक हैं, शंकर जी एक हो गए ना, अर्ध नारेश्वर, अर्ध हो गए ना, आधा, 50-50। आजकल की कमी ये है कि पति पत्नी दो रहते हैं, जबकि पति पत्नी दो नहीं है दोनों। भाई आप लोग ये बताइए, समाज में ये बात प्रसिद्ध है कि जब किसी की शादी में कोई चला जाए, मीन्स पत्नी चली गई, या किसी की शादी में केवल पति चला गया, तो मान लिया जाता है कि आपके आने से दोनों आ गए, सब हो गया ना, दोनों एक ही है। लोग कहते हैं अरे हम आए या वो आए, एक ही है, हम आए या वो आए, दोनों का एक ही है मतलब। क्यों जी, पत्नी हो या पति हो, दोनों का मतलब, दोनों का मतलब तो एक है, व्यवहार से तो एक दिख रहा है, लेकिन आपके मन अभी तक मिले नहीं। शरीर में तो मिलन हो गया, शरीर का, मन का मिलन ना हुआ। शरीर से तो समर्पण कर लिया, मन से समर्पण नहीं हुआ, इसलिए झगड़ा होता है। यदि मन का समर्पण हो जाए तो किसी पति पत्नी में कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि समर्पण हो गया। मैं ना रहा, तुम ना रहे, मैं तुम हो गया, तुम मैं हो गए। समझ में आ गई बात, किस किस को बात आ गई समझ में? तो पति पत्नी दोनों को मिलके क्या हो जाना चाहिए, जोर से, एक हो जाना चाहिए। जब एक हो जाएंगे झगड़ा नहीं होगा। अभी आपके समर्पण में कमी है, पत्नी के समर्पण में या पति के समर्पण में। पति कहता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पत्नी कहती है तुम्हें, मतलब तुम दोनों के विचार नहीं मिल रहे। या फिर इसका एक उपाय भी मैं बताऊंगा। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, उपाय बता। सुनो, उपाय यह है कि एक दो में से कोई एक, या पति या पत्नी, दोनों में से कोई एक इतना समझदार हो जाए कि एक को यदि आप, यदि वह सामने वाला आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आप में उसके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ही उसमें अपने विचारों को मिलाकर एक कर लो, या तो वो अपने विचार तुम में मिलाकर एक कर दे, या तुम अपने विचार उसमें मिलाकर एक कर दो, तब भी समस्या का समाधान हो जाएगा, वरना सारी जिंदगी तू मैं चलती रही। समर्पण की कमी है। क्या आपने कभी सुना कि राम जी का सीता जी से झगड़ा हुआ हो? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो दोनों मिलकर, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता दो नहीं है, राधा और कृष्ण दो नहीं है, गौरी और शंकर दो नहीं है, लक्ष्मी और नारायण दो, बस आप दो दिखते हैं, इसलिए विवाद है। तो आज कितने लोग एक हो जाएंगे जिनका विचार दोनों, या तो आप समर्पण कर दो या सामने वाला कर दो, या मैं हार जाती हूं या तू हार जा। और एक बात बताएं, जहां प्रेम है वहां जीतने की चाहत नहीं हो, वहां तो हार जाना चाहिए, अपने प्रेमी से या अपनी प्रेमिका से। तुमसे क्या जिद करें, तब तो रिश्ते चलते हैं, वरना अकड़ एटीट्यूड, जैसा कि आपने कहा, रिश्ते एटीट्यूड में बिगड़ते हैं, बनते नहीं। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि समर्पण आ जाएगा तो झगड़े नहीं होंगे, उठा लो हाथ।
सहमत हैं? आप सहमत नहीं हैं? आप नहीं है सहमत? तो करेंगे समर्पण, तो पत्नी कुछ कहेगी, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आज से दो नहीं, आज से यही रिश्ते का आनंद है। पति पत्नी में जितना प्रेम होगा गृहस्थी उतनी अच्छी होगी, उतना आनंद होगा गृहस्थी में। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन जब जिस गृहस्थी में प्रेम ज्यादा हो, समर्पण हो, वो गृहस्थी अच्छी है। वरना गृहस्थी करके लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं गृहस्थी से कि लोगों से ये गृहस्थी की गाड़ी चलाई चलती नहीं है। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी इतनी अच्छी है, चलाना तो आए। गृहस्थी की गाड़ी इतनी अच्छी है, अर्जुन ने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। आपको क्या करना है? समर्पण करना। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हां बेल आइकन दबाना ना भूलें।